أصحابي المتقين المخلصين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ورسوله والذين آمنوا. صدق الله مولانا العظيم. اہل ذوق اور اہل محبت کے لیے چند علمی باتیں آج آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. ویسے تو ذکر علی نہ رات میں ختم کیا جا سکتا ہے نہ رات یہ ختم ہونے والا ذکر بولیے زندگیاں ختم ہو گئی اور یہ صرف ذوق سے بولا ہوا ایک جملہ نہیں ہے. ذوق سے بولا ہوا ایک جملہ بولیے نہیں بلکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خود. آج میں چند احادیث آپ کو ایسی پیش کروں گا جو میں نے پہلے آپ کو نہیں سنائی. میری کوشش ہوتی کہ میں ڈھونڈ کے کوئی ایسا مواد آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو مستقل بھی حاضر ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے نیا سے نیا کچھ سیکھنے کو ملے. کچھ باتیں جو ہم پہلے ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہوں گی لیکن اکثر باتیں میری کوشش ہوتی ہیں کہ نیا مواد دیا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے. حضور نے ارشاد فرمایا حضرت عمر بن خطاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی لو كان البحر مدادا والرياض اقلاما. حضور نے فرمایا اے علی اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں والرياض اقلاما اور تمام باغات اور ان کے درخت قلم بن جائیں والانس کتابا اور پھر تمام انسان اس کو لکھنا شروع کر دیں تیری تعریف کو اور تیرے فضائل کو والجن حسابا اور جو جنات ہیں وہ حساب لگانا شروع کر دیں اور گننا شروع کر دیں تیرے فضائل اور کمالات کو. فرمائے ما احسو فضائلک یا ابا الحسن. تو فرمائے اے علی تیرے فضائل پھر بھی وہ شمار پھر بھی تیرے فضائل شمار کر سکیں گے جن فضائل کو آج کے برے علماء چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے علی کی ذات اور آپ نے پتہ نہیں کیا بنا رکھی ہے. تو ہم نے نہیں بنائی اللہ اس کے رسول نے ذات علی کو اتنا بڑا بنایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں اور درخت قلم بن جائیں اور انسان رائٹرز محرر تحریر کرنے والے بن جائیں اور جنات شروع کرنے علی تیرے فضائل کو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن تیرے فضائل کو گنا جا سکے گا شمار بھی نہیں کیا جا سکے. تو فضائل علی تو ایسا بحر بے کراں ہے بہت بڑا سمندر
तो हम तो उसमें से कतरा के बराबर भी आज तक न सीख पाए, न सुन पाए, न सुना पाए, न जान पाए। तो अल्लाह की तौफीक से जो समझा जो जाना, वो आपके सामने कुछ ना कुछ अर्ज करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदूह इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारा जो वली है, तुम्हारा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारा जो वली है वो अल्लाह है, व रसूलहू और रसूल हैं, वल्लज़ीन आमनू और जो ईमान लाए हैं वो तुम्हारे वली हैं। अब तवज्जो तलब बात यह है कि वलीयुकुम जो फरमाया तुम्हारे वली, तो उनसे मुराद सहाबा किराम है, कि सहाबा किराम से कहा जा रहा है और जमी उम्मत से कहा जा रहा है कि तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है और ईमान वाला है या ईमान वाले हैं। अब दो वली तो वाज़े हैं, अल्लाह और उसका रसूल। ये वल्लज़ीन आमनू से क्या मुराद है, हालांकि बात ही ईमान वालों से की जा रही है कि तुम्हारा वली अल्लाह है, रसूल है और ईमान वाले। तो बात तो की ही ईमान वालों से की जा रही है, तो वल्लज़ीन आमनू से क्या मुराद है? तो मुफस्सरीन फरमाते हैं वल्लज़ीन आमनू से मुराद ज़ाते सैयदना अली अल मुर्तज़ा है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और उनके बाद अली अल मुर्तज़ा है, करम अल्लाह तआला वजहुल करीम। हज़रत अली अल मुर्तज़ा इस उम्मत के वली हैं, रसूलुल्लाह के बाद इस उम्मत के बोलिए वली हैं। और ये जो तफसीर है इसकी ताईद सैकड़ों हदीस से होती हैं, जिनमें से चंद मैं आपके सामने पेश करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने बोलिए खुद इरशाद फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, और जिसको बेशुमार मुहद्दिसीन ने बयान किया, मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस हदीस को मुसनद में बयान किया, और इमाम अहमद बिन हम्बल इस हदीस को अपनी एक और किताब है फ़ज़ाइल सहाबा उसमें भी लाए हैं, दो किताबों में बयान की है। और इसी तरह इस हदीस को इमाम निसाई ने बयान किया है अस-सुननुल कुबरा में, और इमाम बज़ार ने इस हदीस को मुसनद बज़ार में बयान किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़इन्ना अली जम मिन्नी व अना मिन्हु, हुज़ूर ने फरमाया बेशक अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ, वहुआ वलीजु कुल्ली मुमिनिन बादी, और फरमाया मेरे बाद अली हर मोमिन का वली है। हर मोमिन का बोलिए वली का माना, वली का माना दोस्त भी है, वली का माना महबूब भी है, वली का माना मददगार भी है, वली का माना सरपरस्त भी है। मेरी बात समझ आ रही है? सरपरस्त, पेशवा, ये तमाम मानी वली के हैं। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने वाला स्टेटस बयान किया ना कि जिस तरह मैं तुम्हारा वली हूँ इस उम्मत का, मेरे बाद अली इस उम्मत का वली है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इस उम्मत के सरपरस्त हैं और मददगार हैं और हादी हैं और मुर्शिद हैं। तो इस माना में है कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा इस उम्मत में विलायत के दरवाज़े को खोलने वाले हैं, और इस उम्मत के सबसे पहले वली हैं, और इस उम्मत के हादी भी हैं, मुर्शिद भी हैं, सरपरस्त भी हैं। इस उम्मत के हादी भी हैं, मुर्शिद भी हैं, और जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के हादी, शेख, मुर्शिद और रहबर हैं। तो ये जो कुरान ने कहा बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसके रसूल वली हैं और ईमान वाले वली हैं, तो उससे मुराद ज़ाते सैयदना अली अल मुर्तज़ा है, कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा इस उम्मत के वली हैं, इस उम्मत के बोलिए वली हैं। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक और हदीस मुबारक में इस हकीकत को बयान फरमाया। तवज्जो है आपकी? अब आप लोगों को मालूम तो है कि हमारा तरीका कुरान सुन्नत से बयान करना है, इसलिए आपको बड़ी तवज्जो से बैठना पड़ेगा, तब बातें समझ आती हैं। हज़रत अब्बास
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی جن، آقا علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف دیکھا، فقال انت سید فی الدنیا، فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے، تو دنیا میں بھی سید ہے، دنیا میں بھی بولیے سید ہے، و سید فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تو سردار ہے. واہ واہ. اب غور فرمائیں، یہ سرداری حضور نے قید نہیں لگائی، قید نہیں لگائی کہ قبیلے کے سردار ہیں، خاندان کے سردار نہیں، فرمائے سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، علی دنیا میں بھی تو سردار ہے، آخرت میں بھی تو سردار ہے. ساری سرداریاں علی کو مبارک، نبوت کے بعد ساری سرداریاں بولیے علی کو مبارک. ولایت کی سرداری ہو، امامت کی سرداری ہو، ہدایت کی سرداری ہو، جس طرح کی بھی سرداری، حضور نے فرمایا دینی ہو دنیاوی ہو، سب سرداریوں کا سردار علی ہے، سب سرداریوں کا سردار علی. اور فرمایا من احبک فقد احبانی، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. حبیب کا حبیبی، اور جو تیرا محب ہے وہ میرا بھی محب ہے، اور جو تیرا محبوب ہے وہ میرا بھی، یعنی جس سے تو پیار کرے اس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، جس سے تو پیار کرے اس سے میں بھی. وحبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے. علی تیرا حبیب میرا حبیب ہے، اور میرا حبیب اللہ کا حبیب ہے. اور فرمایا وہ عدو کا عدوی، اور جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. وہ عدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. والویل لمن ابغضک من بعدی، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد تجھ سے بغض اور نفرت کی، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں حدیث ہیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے بغض رکھنے والے کے لیے ہلاکت بیان فرمائی. کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ایک گروہ قیامت تک باقی رہے گا جو اہل بیت اطہار کی نفرت اس کو مشتہر کرے گا، اس کو شہرت دے گا، اس کو ہوا دے گا، اس کو پھیلائے گا، اور خصوصاً سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا بغض اور آپ کی نفرت کو پھیلائے گا. اور ایسا طبقہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. میری بات سمجھے؟ اس لیے ہمارے ایمان کی پہچان ذکر علی ہے، محبت علی ہے، عشق علی ہے، یہ پہچان ہے ایمان کی. میری بات آپ سمجھے گا نہیں سمجھے بولیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار. تو کل سرداریاں علی سے چلتی ہیں، وہ امامت کی سرداری ہو، ولایت کی سرداری ہو، روحانیت کی سرداری ہو، وہ تربیت اور اخلاق کے نظام کی سرداری ہو، تمام سرداریاں علی سے پھوٹتی ہیں. علی منبع ہیں، مصدر ہیں، چشمہ ہیں، سمندر ہیں، اور سارے دریا اور ندیاں علی سے جاری ہوتی ہیں. سارے دریا اور ندیاں بولیے علی سے جاری ہوتی ہیں. تو اس سے بھی تائید ہوئی، اس سے بھی بولیے تائید ہوئی کہ ولایت علی بانٹتے ہیں علیہ السلام. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. یہ جو میں نے اوپر حدیث بیان کی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے المودۃ فی القربا. یہ بہت بڑے محدث اور ولی اور صوفی ہوئے ہیں حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ. کشمیر میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ اس صوفی نے پھیلا، اس سید نے پھیلایا ہے. کشمیریوں کو مسلمان ہی اس سید نے کیا ہے، لاہوریوں کو مسلمان سید علی حجویری نے کیا ہے جی، اور ہندوستان والوں کو مسلمان سید معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، اور کشمیر والوں کو مسلمان سید علی حمدانی نے کیا ہے. ہر طرف حضور کے خاندان کا فیض جاری ہے. بات سمجھے ہیں؟ یہ فرق ہے مولوی اور صوفی میں. صوفی کافروں کو مسلمان بناتا ہے، اور مولوی مسلمانوں کو کافر بناتا رہتا ہے، مسلمانوں کو مشرک بناتا ہے. آئی بات سمجھ؟ اس لیے
हुजूर अलैहिस्सलाम ने आगाह कर दिया था कि एक वक्त आएगा जब धरती पर ज़मीन पर सबसे बदतरीन मखलूक उलमा होगी, सबसे बदतरीन मखलूक उलमा, और सबसे आला तरीन मखलूक भी उलमा है। अब बंदे को पहचान होनी चाहिए कि कौन बंदा फसादी है और कौन बंदा हादी है, कौन फसादी है और कौन बोलिए हादी है, इतनी पहचान करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया ना, लिबास खिजर में, खिजर का लिबास पहनकर, वलियों वाला लिबास पहनकर, लिबास खिजर में यहाँ लाखों रहजन भी फिरते हैं, रहजन डाकुओं को कहते हैं। फरमाया लिबास खिजर में यहाँ लाखों रहजन भी फिरते हैं, गर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। ये खिजर वाला लिबास पहने तो बड़े बड़े फिर रहे हैं, जुब्बे कुब्बे, आगे पीछे हटो बचो का शोर, अल्लाह हू का शोर मचाने वाले, तो इस तरह के पीर तो बड़े। और इस तरह के रियाकार उलमा भी बहुत सारे, तो उलमाए हक और उलमाए सू इनकी पहचान होनी चाहिए, उलमाए सू बुरे उलमा उनकी पहचान होनी चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रावी हैं, तवज्जो है आपकी, आखिर तक जाग के बैठे तवज्जो से। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते, दानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने मुझे बुलाया, फ़काला ली उबशिरुका अन्नल्लाह अय्यदनी लिसय्यिद अल्अव्वलीन वल आखिरीन वल वसीजीन अली। फरमाया ऐ अब्दुल्लाह, मैं तुझे बशारत देता हूँ और खुशबरी देता हूँ, चूँकि हज़रत चचाज़ाद भाई हैं नबी अलैहिस्सलाम, और मैं ऐ अब्दुल्लाह मैं तुम्हें बशारत देता हूँ और खुशबरी देता हूँ कि बेशक अल्लाह ने मेरी मदद उस शख्स के ज़रिए की है जो तमाम अव्वलीन का भी सरदार है, आखिरीन का भी सरदार है, और तमाम औसिया और औलिया का सरदार है। या रसूलल्लाह कौन है? फरमाया अली, जो वो अली है। तो कौन है? अली है। तो फरमाया अली के ज़रिए अल्लाह ने मेरी मदद की है, अली के ज़रिए बोली अल्लाह ने मेरी, और अली तमाम अव्वलीन का भी सरदार है, तमाम आखिरीन जो गुजर चुके उनका भी सरदार, जो आने वाले हैं उनका भी, और तमाम औलिया का सरदार अली है, उस अली के ज़रिए से अल्लाह ने मेरी मदद की है, उस अली के ज़रिए अल्लाह ने मेरी मदद की है। वो मदद नज़र नहीं आती, बदर का मैदान हो, आए आए उहद का मैदान हो, वो खंदक का मैदान हो, वो खैबर का मैदान हो, वो कोई मैदान भी उठा के देखें आप और उसकी तारीख पढ़ें, तो आपको मिलेगा और आप जानेंगे कि अल्लाह ने अली के ज़रिए अपने नबी की मदद की है। इसकी आवाज़ थोड़ी ही सी कम करें। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, फजअलहू कुफुवी, अल्लाह ने अली को मेरा कुफ बनाया, हमसर बनाया है, अली को अल्लाह ने मेरा हमसर बनाया। कुफ, कुफ कहते हैं बराबरी के रिश्ते वाला, बराबरी के रिश्ते वाला। और बस ठीक, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कई जगह इसको बयान फरमाया, फरमाया अना व अली जुम्मिन नूर वाहिद, अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से पैदा फरमाया। आज हम ऐलान विलायत अली के सिलसिले में जमा है। आज से 10 साल पहले या 11 साल गालिबा 11 साल पहले 2009 की बात है, तो मैंने यह हदीस बयान की, एक जलसा था, महफिल थी, बड़ी जलसा, उसमें मैंने 2009 की बात सुना रहा हूँ, 11 साल पहले की। तो मैंने यह हदीस बयान की तो कई बुज़ुर्ग हजरात मेरे पास आ गए, कहने लगे जी तुसी शिया हो गए। मैं जनाब की होया महफिल के बाद, ऐ तुसी गल की सुना देती कि हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक नूर चो। मैंने कहा ये आपको क्यों लगा कि मैंने ये बयान किया तो मैं शिया हो गया? कहो जी गल ना वो ही कर सकते हैं। कल्ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। इंसान को कम अज़ कम अपने घर का तो पता हो ना। आप सुन्नी कहलाते हैं और आपको पता ही नहीं कि अहले सुन्नत में अहले बैत के मुतल्लिक अकीदा क्या है। हमारी हदीस की किताबें बड़ी पड़ी हैं इस हदीस के साथ।
सिर्फ इस एक हदीस को जमा करने पर मेरे पास पूरी किताब है 400-500 सफात की, उसमें मुख्तलिफ सनदें जमा की गई हैं सिर्फ इस हदीस की कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे और अली को एक नूर से पैदा फरमाया, एक नूर से पैदा। और इसी तरह हुजूर इरशाद फरमाते कन्नासु मिन अशजारिन शत्ता, अल्लाह ने लोगों को मुख्तलिफ दरख्तों से पैदा किया, शजरों से पैदा किया। व अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, और मैं और अली एक ही शजरे से ताल्लुक रखते हैं, मेरा और अली का शजरा एक है, नूर एक है, शजरा एक है नूर। और इसी तरह फरमाए लहमु का लहमी, अली तेरा और मेरा गोश्त एक है, दमु का दमी तेरा मेरा खून एक है, जिस्म का जिस्मी तेरा मेरा जिस्म एक है। वाह वाह, तो जिस्म फरमाया तेरा जिस्म मेरा जिस्म है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिक्र मेरा जिक्र है, तेरा नूर मेरा नूर है। वाह वाह, अभी भी किसी को अली और नबी की ज़ात में फ़र्क करने से हया ना आए और इस तरह की हमाकतों से वो बाज ना आए, तो फिर वो जान ले कि उसने अल्लाह उसके रसूल को क्या मुँह दिखाना है। हम उसके बारे को हुक्म नहीं लगाते, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, लेकिन ये हकीकत है जो अहले बैत का गुस्ताख को अल्लाह उसे तौबा की मोहलत ही नहीं देता, अहले बैत के गुस्ताख को तौबा की मोहलत ही नहीं मिलती, ये हकीकत। अब सुने हदीस सुना रहा था, फरमाया अल्लाह ने मेरी उस बंदे के ज़रिए मदद की जो अव्वलीन का भी सरदार है और आखिरीन का भी सरदार है, और वो अली है। फरमाए फजअलहु कुफ्व भी, अल्लाह ने उसे मेरा हमसर बनाया है, मेरा कुफ्व बनाया है। फरमाए ए अब्दुल्लाह फ़इन अरदत अन ततवर्रअ वतन फ़तबिअहु, ए अब्दुल्लाह अगर तू चाहता है कि तू भी तकवा वाला बन जाए और तुझे भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, फरमाए फ़तबिअहु फिर अली का पैरोकार बन जा, अली का मुरीद बन जा। ये जो हम सिलसिला ए कादरिया में बैत करते हैं या सिलसिला ए चिश्तिया में बैत करते हैं या सिलसिला ए सोहरवर्दिया में बैत करते हैं, असल में हुजूर के इस हुक्म की पैरवी कर रहे होते हैं कि हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर तू परहेजगार और मुत्तकी बनना चाहता है और दुनिया में कुछ फ़ायदा पाना चाहता है तो तुझे चाहिए कि अली का मुरीद बन जा, अली का पैरोकार बन जा। तो जो ज़ात अली का पैरोकार बन जाता है परहेजगारी भी उसे नसीब होती है और दुनिया और आखरत में नफ़ा भी उसे नसीब होता है। तो ये हुजूर के इस फरमान पर अमल है। तो ये हदीस भी उस आयत की तफसीर करती है कि जो फरमाया अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल वली है और अली अल मुर्तज़ा वली है। क्यों? क्योंकि कुल सरदारियाँ उनके पास हैं, कुल सरदारियाँ उनके पास। सुभानअल्लाह, समझ आई है बात या नहीं आई, बोलिए। इसी तरह एक और हदीस इस आयत की तफसीर में पेश करता हूँ। ये जो पीछे हदीस बयान की इसको इमाम दैलमी ने भी बयान किया मुसनदुल फिरदौस में। अब ये जो हदीस है इसको सैयद अली हमदानी भी बयान कर रहे हैं और इमाम हिंदी कंजुल माल में बयान करते हैं। फरमाते हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, काला कीला या रसूल मता वजबत लकन नबुव्वा, पूछा गया या रसूल अल्लाह ने आपको नबुवत कब दे दी थी, आपको नबुवत कब मिल गई थी। फरमाया काला कबल अन यखलुकल्लाहु आदम व नफखर रूह फी, फरमाया अल्लाह ने अभी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा भी नहीं किया था और उनमें अपनी रूह भी नहीं फूंकी थी कि अल्लाह ने उससे पहले ही मुझे नबूवत अता फरमा दी थी। वकाला व इज अखद रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम, फरमाया वो वक्त जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी पुश्तों में जितनी उनकी औलाद थी उनकी रूहों को जमा किया और उनसे पूछा और उनसे गवाही ली, बताओ मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रब। कालत इल अरवाहु बला, तो तमाम रूहों ने कहा इलाही बेशक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा। फ़काल अल्लाह ताला अना रब्बुकुम व मुहम्मदुन नबीयुकुम व अलीयुन अमीरुकुम, तो अल्लाह ने फरमाया बेशक मैं तुम्हारा रब हूँ और मुहम्मद तुम्हारे नबी हैं और अली तुम्हारे अमीर हैं।
तो आलमे अरबा में ही अल्लाह ने हजरत अली अल मुर्तजा की सरदारी का ऐलान कर दिया था, नबुवत मुस्तफा का ऐलान किया था और इमारत अली अल मुर्तजा का ऐलान किया कि कुल इंसानियत के लिए और अंबिया के लिए हादी मुहम्मद होंगे, नबियों के सरदार मुहम्मद होंगे और वलियों के सरदार अली अल मुर्तजा होंगे। तो ये अल्लाह ने आलम अरबाब में ही नबुवत मुहम्मदी का भी ऐलान कर दिया और विलायत अली का भी ऐलान कर दिया। अब कोई शख्स इससे आंखें फेरता है तो उसकी जहालत है, या तो उसने ये हदीस पढ़ी नहीं है, ये उसकी खराबी है, या पढ़ी हैं तो बुग़्ज़े अली की वजह से इनको कबूल नहीं कर रहा, इनको कबूल नहीं कर रहा। और जिसने पढ़ी भी हैं कबूल भी कर ली हैं तो याद रख लें ऐसे शख्स के लिए हिदायत हासिल करना मुश्किल रहता। जिसको अपने हादी का पता चल गया तो उसके लिए हिदायत कौन सी मुश्किल रह गई। और जो अभी तक तलाश ही कर रहा है कि मैंने किसको अपना हादी बनाना है, डामाडोल आदमी है, तो ऐसा शख्स उसने अभी सफ़र शुरू ही नहीं किया तो मंजिल तक कैसे पहुँचे। समझ आई बात या नहीं आई बोलिए। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की इमारत, अमीरी, सरदारी, इसका ऐलान अल्लाह ने आलम अरबा में कर दिया। तो ये भी इस आयत की तफसीर है। इस आयत की बोलिए बोलिए ना यार। और इसी तरह हज़रत उतबा बिन आमिर बयान करते हैं, वो कहते قال بايعنا رسول الله على قول الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا نبيه وعلي جن وصيه। फरमाते हैं हज़रत उतबा बिन आमिर के सहाबा इकराम कि हमने बैत हुजूर के हाथ पर कैसे की। तो फरमाते हैं हमने रसूलुल्लाह के हाथ पर इस बात पर बैत की कि हम गवाही देते हैं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं और अली उसके जानशीन हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा वसीय रसूल हैं, रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, रसूलुल्लाह के बोलिए। अब ये जानशीनी कौन सी थी इसके ऊपर हम बाद में गुफ्तगू करते हैं, तफसील से इंशाल्लाह बात करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं हज़रत अली अल मुर्तज़ा, वसीय रसूल हैं। वसी कहते हैं जानशीन को, किसको कहते हैं जानशीन, समझते हैं जैसे कोई शेख अपनी ज़िंदगी में मुकर्रर कर दे कि मेरे बाद ये तुम्हारा अली है, मेरे बाद ये तुम्हारा मुर्शिद है, मेरे बाद ये तुम्हारा हादी, उसको कहते हैं जानशीन। क्या कहते हैं? तो फरमाते हज़रत उतबा बिन आमिर कि हमने इस बात पर बैत की रसूलुल्लाह से, इस बात पर बोलिए अल्लाह एक है उसकी वहदानियत पर बैत की, हुजूर की नबूवत पर ईमान लाने पर बैत की, और मौला अली अल मुर्तज़ा के वसी होने पर, जानशीन रसूल होने पर बैत की। और फरमाते फ़ैया मिन सलासती तरक ना हो कफ़र ना, हज़रत उतबा फरमाते कि हम सहाबा का ईमान है कि इन तीनों चीज़ों में से किसी एक का भी इनकार कर दे तो हम काफिर हो जाएं, किसी एक का भी इनकार कर दे तो हम, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करें तब भी काफिर हो जाएं, नबूवत मुहम्मदी का इनकार करें तब भी काफिर हो जाएं, और विलायत अली के मुनकर हो तब भी काफिर हो जाएं। ये है अकायदे सहाबा, ये हैं बोलिए अकायदे सहाबा कि वो विलायत अली पर ईमान रखने को मोमिन की अलामत करार देते थे और विलायत अली के इनकार को कुफ्र करार देते थे। वली विलायत अली के इनकार को बोलिए, मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई? ये सहाबा इकराम का कीदा। और फरमाते हैं वकाल लना, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया, फरमाया कि तुम अली से मोहब्बत करो, तुम अली से बोलिए अहब्बू हादा यानी अली जन, अली से मोहब्बत करो, फ़इन्नल्लाह युहिब्बुहु, इसलिए कि अल्लाह खुद अली से मोहब्बत करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के इस अमल में शरीक हो जाओ, अल्लाह का कोई शरीक नहीं लेकिन उसके अमल में कोई शरीक हो सकता है, जैसे उसका कोई शरीक नहीं लेकिन जब उसने मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजना हो तो ईमान वालों को अपने साथ शरीक करता है और फरिश्तों को अपने साथ शरीक करता है, उस अमल में शरीक बनाकर हुजूर पर दुरूद व सलाम भेजता है,
तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह खुद अली से मोहब्बत करता है, अगर तुम चाहते हो अल्लाह के अमल में शरीक हो जाओ तो तुम भी अली से मोहब्बत करना शुरू करो। फरमाया वस्तहयू मिनहु, और अली की बारगाह का हया किया करो। फइन्नल्लाह यस्तहयी मिनहु, कि अल्लाह खुद अली का हया करता है, अल्लाह खुद अली का, तुम भी अली का हया करो, तुम भी अली का बोलिए। कैसा बदबख्त है वो आदमी जो अपनी माँ के बारे तो खुलम खुला कह रहा है कि मेरी माँ का हया करो, मेरी माँ के मुतल्लिक कोई बेअदबी वाला जुमला ना बोलो, और वो जालिम रसूलुल्लाह का हया नहीं कर रहा कि हुजूर की साहिबजादी की गुस्ताखी बड़े मजमो में करता है और उसके बाद उस गुस्ताखी पर डट जाता है, और उसके मानने वाले उसको फिर भी इमाम और हादी मान रहे हैं। ये हैं दिलों पर ताले लगने वाले वाली सूरत, कि तुम्हें इस मौलवी से क्या मिलना है, तुम्हें सब कुछ तो रसूलुल्लाह से मिलना था और सैयदा फातिमा तुज़ाहरा से मिलना था और बारगाह अली अल मुर्तज़ा से मिलना था। और ज़ालिमो, तुम इस गुस्ताख और बेअदब बेअदब आलिम के पीछे, इस बेअदब मौलवी के पीछे लग के आखिरत भी तबाह कर रहे हो, दुनिया भी तबाह कर रहे हो, तुम्हें अकलमंद कौन कहे। मुझे शिकवा उस बंदे पर नहीं है, मुझे शिकवा उन लोगों पर है जो अब भी उसका साथ देते हैं। फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मौलाना अहमद रजा खान ने, उन्होंने कहा, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाने का भी एहसान चला गया, और तुम्हें रसूलुल्लाह का एहसान ना भी याद होता, हुजूर का कलमा पढ़ाने का एहसान याद रखते तो हुजूर की साहिबजादी के मुतल्लिक ऐसी बेअदबी और गुस्ताखी वाले जुमले इस्तेमाल ना करते, और खुसूसन जो तुम उनके साथ हो, उस जालिम गुस्ताख के साथ मिल गए हो, तुम ही हया करो कि तुम कलमा पढ़ाने का भी एहसान भूल गए हो, सैयदा फातिमा के गुस्ताख का साथ देते हो। तो हुजूर ने फरमाया, अली से हया करना, अल्लाह खुद अली का हया करता है, अल्लाह अली का हया करता है तो अली के घर का भी हया करता है, जिस अली के घर वालों और जिस अली की जौजा का अल्लाह हया करे, तुम्हें उसका हया ना हो, ऐसे बेहया आदमी का हमें हया क्या हो। मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई? खुदा के लिए मुखलिस हों, आपको सफ चुननी चाहिए, हमने किसका साथ देना है, अहले बैत के वफादारों का या अहले बैत के गद्दारों का। मुनाफकत ना दुनिया में इंसान को फायदा देती है ना आखरत में फायदा देती है। जन्नत में रिश्वत दे के जाना है आपने, मैं कितनी दफा आपसे कह चुका हूं, क्या जहन बनाया हुआ है, फरिश्तों को रिश्वत दे के जन्नत चले जाना है, हर जगह को पाकिस्तान ही समझ रखा। मेरी बात समझ आ रही है? जन्नत को भी माजल्ला पाकिस्तान समझ रखा कि रिश्वत से काम चल जाएगा, नहीं, वहां मर्दों की सरदारी अली जाफर हमजा और हसन और हुसैन के पास है, और औरतों की सरदारी सैयदा फातिमा तुज़ज़हरा के पास है। तुम मर्द हो तब भी अहले बैत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते, तुम औरत हो तब भी अहले बैत के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। तो तुम्हें किसका वफादार बनना है, ठंडे दिमाग से बैठ के सोचो। इस गुस्ताख की तो एक इंच नहीं जन्नत में जमीन, इसने तुम्हें क्या लेके देनी है। आओ उनकी सरदारी के झंडे के नीचे आ जाओ, जो कुल जन्नत के मर्दों के भी सरदार हैं और औरतों के भी सरदार हैं, वो नबी के घर वाले, वो हुजूर के बोलिए घर वाले। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली का हया करो क्योंकि अल्लाह अली का हया करता है। इस हदीस से भी पता चला कि मौला अली अल मुर्तज़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं, हुज़ूर के क्या हैं, जानशीन। समझ गए बात, बोलिए। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
हदीस को खुद हजरत मौला अली अल मुर्तजा बयान करते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ने हर नबी का कोई जानशीन बनाया है। अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम का जानशीन शीस अलैहि सलाम को बनाया, शीस शीन या सा सा शीस शीस अलैहि सलाम को बनाया। मूसा अलैहि सलाम का जानशीन अल्लाह ने यूशा अलैहि सलाम को बनाया, यानी उनके बाद वो नबी बने। और ईसा अलैहि सलाम का जानशीन अल्लाह ने हजरत शमून को बनाया और फरमाया मेरे जानशीन जो अल्लाह ने चुना है वो फरमाया वा अलीजन वसी या वसी की, फरमाया अल्लाह ने अली को मेरा जानशीन बनाया है, अल्लाह ने बनाया है अली को मेरा जानशीन। और खैर अलौसिया, और आज तक जितने भी नबियों के कोई जानशीन बने हैं अल्लाह ने अली को उन सबसे बेहतर जानशीन बनाया है। सुभान अल्लाह। और फरमाया वा अनदाई वा हुवल मुदी, सुने हदीस के लफ्ज़। इस हदीस को इमाम देहलवी ने भी बयान किया मुसनदुल फिरदौस में, और सैयद साहब ने भी बयान किया, उनकी किताब से हदीस पढ़ रहा हूँ। आकल इस्लाम ने फरमाया वा अनदाई वा हुवल मुदी, मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ और अली दिलों को हिदायत से रोशन करने वाला हूँ। मैं अल्लाह की तरफ दावत देने वाला हूँ और अली दिलों को रोशन करने वाला। तो जिसका दिल अली ने रोशन ही ना किया, उस तारीक दिल आदमी से इस तरह की गुमराही साबित होगी और क्या हो सकता। जिस शख्स ने अहले बैत की गुस्ताखी की, सादात की गुस्ताखी की, सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा की गुस्ताखी की, और उनके मानने वाले दो हाथ उनसे भी आगे निकल चुके हैं, उनका साथ देने वाले, उनकी हिमायत करने वाले, अल्लाह हम सबको ऐसे गुमराहों से और गुस्ताखों से बना दा फरमाए। तो ये हदीस भी तायीद करती है और तफसीर बयान करती है उस आयत मुबारका की जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। इसी तरह एक और हदीस मुबारका आपकी बारगाह में पेश करता हूँ जिसको हजरत सैयदा फातिमा तुज़्ज़हरा बयान करती हैं। एक बहुत बड़ी जहालत है अहले सुन्नत के आवाम में भी, और जो जिनको लोग उलामा कहते हैं उनके अंदर भी। वो समझते हैं कि अहले बैत की रिवायत करदा हदीसें सिर्फ थोड़ी सी हैं और चंद, और आज तक ये तसामू कह लें, खता कह लें, भूल कह लें, बड़े बड़े अकाबरीन से भी होगी, तसामू कह लें, भूल हो गई उनसे, या उन्होंने तहकीक ही नहीं की इस बात के ऊपर। उन्होंने यही लिख दिया कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा से ज़्यादा 500 से लेकर 600 तक अहदीस रिवायत हैं। जी अब मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते कि मैंने इस पर तहकीक शुरू की, मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने कुल हिदायत का मंबा मस्तर चश्मा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद तो ज़ाते अली को बनाया, और उनसे बयान करदा हदीसें सिर्फ 500-600 ही हों। तो फरमाते कि मैंने किताबें खंगाली मुहद्दिसीन को पढ़ा, सब ने यही लिखा हुआ था, यानी किसी ने इसके ऊपर कोई जान मार के तहकीक की नहीं। तो फरमाते हैं कि मैंने तहकीक इसके ऊपर शुरू की और अरसा लगाया इसके ऊपर, तो 6 से 7 लाख अहदीस अपनी नज़र से गुजारी, तो मैंने जमा की मौला अली अल मुर्तज़ा की रिवायत शुदा हदीसें, फरमाते मैंने जमा की। पहले यही कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 से लेकर 600 तक मौला अली से रिवायत शुदा हदीसें, तो फरमाते 6-7 लाख हदीस को मैंने खंगाला, उनसे वो हदीसें निकाली जो मौला अली ने रिवायत की, सिर्फ मौला अली ने, बाकी अहले बैत अलावा सिर्फ हजरत अली की रिवायत शुदा हदीसें। तो फरमाते हैं वो 15,266 बनी। कितनी? 15,266। और ये 1400 साल में आज तक ये काम नहीं हुआ था जो मेरे उस्ताद गिरामी ने किया है, और ये खिदमत अहले बैत की है, खिदमत है, और इस पर उनकी किताब आ रही है 12-14 जिल्दों में सारी की सारी किताब ही हज़रत अली की रिवायतें हैं। यानी अगर आप सारा दीन भी अली की बारगाह से लेना चाहें तो वो काफ़ी हो जाएगी। आप किसी और बारगाह में
हाजत नहीं रहेगी जाने की। 15,266 अहादीस, आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह अकबर। तो ये मैं हजरत सैयदा फातिमा की रिवायत पेश करने लगा था। कालत, वो फरमाती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कुंतु वलीजुहु फअलीजुन वलीजुहु। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस जिसका मैं वली हूँ उस उसका अली वली है। ये जो आया ना कुरान में, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल, तो यहाँ से भी साबित होता है अगली जो बात की जा रही वो हजरत अली की तरफ इशारा है। चूँकि हुज़ूर ने फरमाया मन कुंतु वलीजुहु फहाजा अली उन वली, फरमाया जिस जिसका मैं वली हूँ अली उसका वली है। मन कुंतु इमामा हु फअली जुन इमामा हु, मन कुंतु वलीया हु फअली जुन वलीया हु। और इरशाद फरमाया जिस जिसका मैं इमाम हूँ अली उसका इमाम है। जिस जिसका मैं इमाम हूँ अली उसका, तो जो इमामत अली का मुनकर है वो इमामत नबी का मुनकर है, जो विलायत अली का मुनकर है वो विलायत नबी का मुनकर है। वो पीछे शक रह जाता है। बोली, ये मैंने कुरान और सुन्नत का गुलदस्ता आपके सामने पेश कर दिया, सुभान अल्लाह। अब आइए फिर, ये जो आज हमने एहतमाम किया ये क्या है? ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने जगह जगह बयान फरमाया ना कि जिसका मैं वली हूँ अली उसका वली है, तो जगह जगह बयान कर दिया। आज एहतमाम हमने क्यों किया है? ये गदीर खुम क्या है? हाँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल वदा, जो आखिरी हज आका अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाया, उससे लौट रहे थे तो एक मुकाम आया जिसको गदीर खुम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोलिए, गदीर खुम, गदीर खुम। क्या? और ये रिवायत कोई मामूली रिवायत नहीं है। मेरे उस्ताद गिरामी ने, बड़े बड़े अहले बैत के दुश्मन तारीख में पैदा हुए हैं, और अगर उनसे पूछा जाता था आप अहले बैत के दुश्मन हैं, वो कहते नहीं, साढ़े तो बड़ा अहले बैत ने मोहब्बत करने वाला ही कोई नहीं। यानी याद रख ले, जो नासबी है ना, नासबी, नासबी वो लोग हैं जो सहाबाई किराम को आला बना के अहले बैत की गुस्ताखियाँ करते हैं। यानी अपनी तरफ से जब आप उनको सुनेंगे तो लगेगा कि ये तो यार बड़ी शान सहाबा बयान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बीच में अहले बैत की गुस्ताखी कर रहे होंगे। जैसे अब भी जिस आदमी ने सैयदा फातिमा की गुस्ताखी की है, वो अपनी तरफ से साबित कर रहा है कि मैं हज़रत सिद्दीक का वफ़ादार हूँ। ओ ज़ालिम, हज़रत सिद्दीक से तो हज़रत फातिमा नाराज़ हो गई थी, तो हज़रत सिद्दीक तो रह नहीं पाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा सहाबी हूँ और अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मेरा गुजारा हो जाएगा। सैयदा नाराज़ भी रहे तो फिर क्या ना, हज़रत सिद्दीक चल के आए सैयदा फातिमा के पास। सैकड़ों आइमा ने इस हदीस को बयान किया, फजाला यतरद्दाहा, और हजरत सिद्दीक राजी करते रहे हजरत फातिमा को, और उस वक्त तक मनाते रहे जब तक वो मान न गई। और उनके सामने उन्होंने कहा, ये हदीस मैंने सुनाई थी आपको जुमे के ऊपर सुनाई थी, हवाला जात के साथ सुनाई थी। उन्होंने कहा हजरत सिद्दीक ने, ऐसे सय्यदा, हमने इस्लाम को कबूल किया, कबीलों की दुश्मनी मोल ली, हमने घर बार छोड़े, हमने अपने मालो मता छोड़े, हिजरतें की, अपने सारे कारोबार वहां पर खत्म करके आगे मक्का में सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने कुर्बानियां दी, हमने तलवारें उठाई, हमने जंगे लड़ी। ये जो सारी कुर्बानियां दी हैं हमने और की हैं, ये किसके लिए की है? ऐसे यदा, हमने या अल्लाह को राजी करने के लिए ही किया है, या रसूलुल्लाह को राजी करने के लिए, या ए अहले बैत आपको राजी करने के लिए। ये बात सिद्दीक अकबर का ही हौसला के कर गए। आज का ना कोई मौलवी कर सकता है, ना पीर कर सकता है। कह सकता है कोई कि मैं जितनी भी दीन की खिदमत करता हूं, सादात को कह जनाब तानूरा नहीं करवा सके, वो कहता है। ये तकब्बुर आज दिलों में पैदा हो गया। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक खास ग्रोह ठेकेदार अहले बैत का नहीं, ऐसा नहीं। अहले बैत ईमान की अलामत है,
कोई किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो, अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करता है तो वो मोमिन है, और कोई किसी गिरोह से ताल्लुक रखता है अगर अहले बैत का गुस्ताख है उसका ईमान से कोई ताल्लुक, चाहे उसके मानने वाले उसको वक्त का गौस कुतब जो मर्जी बना दे, आलिम फहामा मुहसर मुहदस जो मर्जी बना दे, मेरी बात समझे आप। तो गदीर खुम वहाँ अकल साथ उस्लाम ने क्याम किया, तो मैं अर्ज करने लगा था अहले बैत के बड़े बड़े दुश्मन हुए तारीख में, जब उनसे पूछा जाता वो कहते ना साढ़ तो वड्डा अहले बैत ने मोहब्बत करने वाला कोई, अब पहचाने कैसे जाते कि शान अली में वो अहादीस जिनके हदीस होने पर उम्मत का इत्तेफाक है उनको भी कहते कि ये झूठी हदीस है। अब ये जो हदीस अभी पेश करने जा रहा हूँ, बड़े बड़े लोग मैं नाम लूँ तो फसाद पैदा हो जाए, जिन्होंने इस हदीस का इनकार कर दिया किस वजह से, अहले तशय्यो की ज़िद की वजह से, अहले तशय्यो की ज़िद की वजह से, मेरी बात समझ रहे हैं आप, अहले तशय्यो की नफ़रत और ज़िद में उन्होंने फ़ज़ाइल अली का इनकार किया। वो कहते हैं कि हम अगर फ़ज़ाइल अली बयान करें तो इससे तशय्यो को ताकत मिलती है, शियों को ताकत मिलती है, तो हम कहते हैं कुरान पाक से वो सारी आयतें निकाल दें जो हज़रत मूसा से मुतल्लिक हैं, इससे यहूदियों को ताकत मिलती है। अगर तुम्हारे पीछे चलें तो फिर तो कुरान भी बाकी ना रहे, मेरी बात समझ रहे हैं, अली का बुग्ज इंसान को कहाँ तक पहुँचा देता है। फिर कुरान से वो सारी आयतें निकाल दें जिसमें हज़रत ईसा का जिक्र है, हज़रत मरियम का जिक्र है, हज़रत यहया का जिक्र है, हज़रत ज़करिया का जिक्र है, क्योंकि इससे ईसाइयों को ताकत मिलती है। तो फ़िरका परस्ती ने सुम्मत की कमर तोड़ी है, फ़िरका परस्ती ने, याद रख ली, फ़िरका परस्ती सुम्मत के लिए जहर है, इसकी जड़ों में बैठ गया। अब भी जो शख्स सैयदा फ़ातिमा की गुस्ताखी कर रहा है वो दीन की खिदमत समझ के नहीं, तशय्यो की ज़िद में, तशय्यों की ज़िद में सैयदा फ़ातिमा की गुस्ताखी कर रहे हैं। तो बड़े बड़े ऐसे उलमाए सू तारीख भरी पड़ी है उनसे, जिनको आज उनके मानने वाले शेखुल इस्लाम भी कहते हैं, मुहद्दिस भी कहते हैं, मुफस्सिर भी कहते हैं, उन्होंने अहले बैत की वो बेदबियाँ की हैं जिसकी हद नहीं, क्यों तशय्यों की ज़िद में, मेरी बात समझ रहे हैं आप। ये खराबी बड़े बड़े लोगों के अंदर आई है, नासबी जो बने हैं नासबी तो वो तशय्यों की ज़िद में बने, तशय्यों की। अब भी आप देखें ना, हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत ज़िलहज में है, सिर्फ़ ज़िक्र हुसैन से चिड़ खा के पहले मुहर्रम पे हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का दिन मनाया जाता, सिर्फ चिड़ है ज़िक्र हुसैन क्यों खालिसतन इन 10 दिनों में या मुहर्रम में किया जाता है, चिड़ है, ज़िद है बस, उसका इलाज ही कोई नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे, इसका इलाज ही कोई। हालांकि अहले सुन्नत की कुतुब भरी पड़ी हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म की शहादत ज़िलहज में इस महीने में, तो मुहर्रम में बकायदा एहतमाम करते हैं ज़िक्र हुसैन ना करना पड़े ना सुनाना पड़े, ला हौला वला कुव्वते इल्ला बिल्लाह। तो एक बहुत बड़ा हमला हमारी नस्ल पे हो रहा है इनके दिलों से मोहब्बत हुसैन, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत अली निकालने के लिए, सादात की मोहब्बत निकालने के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं। बस आज की नस्ल है, क्यों ताल्लुक नहीं रहा ख़ानदान रसूल के साथ खिदमत वाला लोगों का। मुझे याद है थोड़ा अर्सा पहले एक मुरीद थे हमारे, तो मैं उन्हें कह गया भी आपने झाड़ू देना ये आस्ताने पे, तो उन्होंने हमारे करीब बंदा रहता तो उसे कहने लगे पीर साहब ने कहो कि जरा ना झाड़ू मेरे को ना दवान कर। उसने कहा भी क्यों, उनका जी मेरे मोहल्ले दे भी लोग आए होंगे ने तो की कहेंगे, तू चौधरी है इतने का तो उत्थे जाके झाड़ू फिरने हैं, ये क्या है, ये मौलवियों ने सिखाना था कि इस दर पे जाके नौकरी और झाड़ू कशी भी इसकी भी शहादत मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, भी बहुत बड़ी बात। जहां हजरत सलमान फारसी जैसे जाके
झाड़ू फेरते हो, तो तुम्हें अगर झाड़ू फेरने की बात तौफीक मिल जाए, तुम्हें तो हजरत सलमान की सुन्नत जिंदा करने का मौका मिला। इस डर के ऊपर आके तो ऐसी जहन में बातें नहीं होनी चाहिए। बात समझ आई या नहीं आई? तो ये क्या है? आपके ऊपर हमला है। आप जो नस्ल आप आ गई है, आपके ऊपर हमला है। आपकी खवातीन है उनके अंदर से तो शायद शऊर खत्म हो चुका हो खानदान रिसालत की खिदमत, वरना मैंने कम अज कम मैंने वो औरतें ज़रूर देख ली हैं, आपने अब वो नहीं देखी जो सादात के घर में आके बर्तन भी धोती थी, कपड़े भी धोती थी। मैंने नहीं मारती थी, ताने नहीं मारती थी, असी तुहाड़ा काम करके चलिए। नहीं, वो कहती थी कि रब का शुक्र अल्लाह ने सानू सादत अता फरमाई है। तो ऐसी मोहब्बत क्यों कम हो गई है? हाँ, उसकी वजह यह है कि जो आपको दीन सिखा रहे हैं ना, उन्होंने वो दीन सिखाना शुरू कर दिया जिनसे उनको चंदा आए, जिनसे उनको चंदा आए वो दीन सिखाना शुरू किया। मेरी बात समझ रहे हैं? और सदात से ताल्लुक काटने और तोड़ने की पूरी वो मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ वो मेहनत नहीं है, एक आदमी अकेला कितनी मेहनत करे, अकेला मेहनत करे तो नतीजा ये है, लेकिन अगर आप सारे मेहनत करने लग जाएं तो नतीजा बहुत बड़ा निकल सकता है। अगर आप सारे उसी तरह मेहनत करें जिस तरह मेहनत का हक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपके अंदर फिर भी कुछ थोड़ा बहुत शऊर जिंदा होगा कि आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, कोई मोहब्बत दिल में पैदा होती है। कम अज़ कम आपकी ख़वातीन में वो शऊर ख़त्म हो चुका है, और अगली आने वाली नस्ल पे तो इन्ना लिल्ला पढ़ देना चाहिए इस हवाले से जो वक्त आ रहा है। तो ये कैसे ये ताल्लुक़ बहाल रहेगा? याद रख लें, हमारा दीन सिर्फ इबादतों का नाम नहीं है, हमारे दीन में एक बहुत बड़ा हिस्सा खिदमत है। खिदमत, एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन में खिदमत का। फिर खिदमत में तरजीह है कि किसकी कितनी खिदमत, किसकी। तो वो हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, वो सही बुखारी में, सही बुखारी शरीफ में, हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, आपने खुतबा दिया। क्या खुतबा दिया? और फरमाया, उरकुबू मुहम्मदन फी अहली बैती, रसूलुल्लाह के हकूक पूरे करो। तो सुनने वालों ने सोचा कि रसूलुल्लाह तो इंतकाल कर चुके, हुजूर के हकूक अब कहां से रहे। फरमाया, फी अहली बैती ही, उनकी अहले बैत तो कियामत तक रहेगी ना, उनके अहले बैत की खिदमत करो, अल्लाह के हां रसूलुल्लाह की खिदमत लिखी जाएगी, अल्लाह के हां रसूलुल्लाह की खिदमत लिखी जाएगी। तो ख़वातीन के अंदर से तो शऊर ही ख़त्म हो गया। इसकी वजह ये कि ख़वातीन का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तरबियत का, दीन सीखने का। उनका एक ही टीचर है, वो टीवी है, वो ड्रामे हैं, वो फिल्म है, वो वहाँ से सीखती हैं। उनका बेहतरीन वो टीचर है जो उन्हें गुमराह कर रहा, समझ रहे हैं? तो ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। ये जो तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, ये अपने घर वालों को बिठा के पूरी ना सुनाएं, एक दिन आधा घंटा सुना दें, दूसरे दिन आधा घंटा सुना दें, तीसरे दिन आधा घंटा सुना दें। ये घर में एक शौक पैदा करें, रोज़ाना बैठ जाएं, 20 मिनट लगा लें, रोज़ाना 15 मिनट लगा लें। ये जो खिताबात हैं, आप हमारे मानने वाले, मोहब्बत करने वाले, तो अपने पीर की सबसे बड़ी खिदमत यही है। मेरी बात समझ आ रही है कि वो जो दीन का काम कर रहे हैं उसमें आप मददगार बन जाएं, ताकि दीन का काम करने वाले ज़्यादा लोग हो जाएं। तो ये अपने घरों में रिकॉर्डिंग्स चलाएं, बिठाएं, सारे तवज्जो से बैठ के सुने, उन चीज़ों को याद करें, नोट्स बनाएं, लिखें और उनको याद करें। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे, बोलिए। तो ये मेहनत आप में से हर शख्स शुरू करेगा, तब जाके इसका बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा। तो ये घरों में शुरू करें। बस मैं चंद दिन चंद थोड़ा अर्सा पहले की बात है, तो एक खातून घर में आई, उनको हमने तनख्वाह पे रखा बच्चे के लिए, छोटे बेटे के लिए, उसके मामलात के लिए। तो वो रोज़ाना घर में यही बात करती हैं, असी तो कभी किसी का काम किया ही कोई नहीं, हालांकि उन्हें तनख्वाह पे रखा है, घर में मुफ्त में नहीं रखा, तनख्वाह पे रखा हुआ। वो डेली मैं बर्दाश्त कर दूँ, रोज़ाना बैठे यही बात, असी कभी किसी का काम नहीं किया, यानी वो साथ साथ काम करें घर का, वो साथ यही बातें करें। मुरीद थे हमारे वो खातून भी, मैं समझता हूँ ये मेरी नलायकी है कि मैं
मर्दों को थोड़ी बहुत तरबियत दे देता हूँ, औरतों को तरबियत का कोई सिलसिला ही नहीं बनाया आज तक। शायद ये मेरी नालायकी है, निकम्मापन है, अल्लाह मेरी इसलाह फरमाए। तो वो रोज़ाना यही बात करें। मैंने एक दिन उन्हें कहा, मैंने कहा ये खिदमत का कौन सा अंदाज है कि आप साथ साथ आटा गूंदे और साथ साथ ये बात करें, साथ साथ झाड़ू लगाएं और साथ साथ ये बात करें, हालांकि हमने आपको इसकी तनख्वाह देनी थी, लेकिन ये खिदमत का कौन सा अंदाज है। तो मैं ये कह रहा हूँ ख्वातीन के अंदर से तो ये बात समझे ख़त्म हो रही है, खिदमत वाली, खिदमत वाली। तो ये ताल्लुक़ ज़िंदा रखें, ये ताल्लुक़ ज़िंदा रखें, इससे हमारी शान में कोई फ़र्क नहीं आता। याद रखें, अल्लाह ने जो हमें इज़्ज़त दी है वो कभी कम नहीं होने वाली, कभी कम नहीं होने वाली। लेकिन याद रखें, ये ताल्लुक ज़िंदा न रहे तो आने वाली नस्लें बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएंगे। इसलिए ये ताल्लुक बहाल रखें और ताल्लुक ज़िंदा रखें। समझे मेरी बात आप या नहीं? तो आए बात चलाते हैं इस तरफ। फिर ये एहतमाम क्यों है, ये जो हम करते हैं? हाँ, एहतमाम इसलिए है कि रसूलुल्लाह ने एहतमाम किया है। गदीर खुम का मुकाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई और नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम ने मिंबर लगवाया और मिंबर लगवा कर हुज़ूर ने तमाम सहाबा इकराम, हज़ारों की तादाद में सहाबा इकराम जमा थे, उनसे पूछा अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों का मुख्तार नहीं हूँ, तुम्हारी जानों पर इख्तियार नहीं रखता, क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक नहीं हूँ? का जी या रसूल, आप हमारी जानों का मालिक हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर सुन लो, फकाला मन कुंतु मौलाहू फअलीयुम मौला, सुन लो फिर जिस जिस की जान का मैं मालिक हूँ अली भी उस उसका मालिक है, अली भी उस उसका जान का, जिसकी जान का मालिक अली नहीं है नबी भी उसकी जान के मालिक नहीं, वो शैतान की मलकियत में, वो शैतान की मलकियत में। तो हमारे जिस्म व जान व रूह व माल व जान औलाद के मालिक व सरदार हमारे आका हजरत अली अल मुर्तजा है। हमारी जान उनकी मलकियत है, हमारा माल उनकी मलकियत है, हम नस्लन बाद नस्लन गुलामाने अली हैं, हमारा हर पैदा होने वाला बच्चा अली की मलकियत में है और मौला अली और मुर्तजा का गुलाम है। हम तो नस्ल दर नस्ल उनके गुलाम भी हैं, उनके मुरीद भी हैं। मेरी बात समझे आप ये नहीं समझ? तो ये आज के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने बड़े मजमे में, हजारों के मजमे में सहाबा किराम के, चूंकि ऐलान विलायत अली किया था, इसलिए हम इस दिन को जिंदा रखते हैं और इस दिन बिलखसूस विलायत अली का ऐलान अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाते हैं। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा, ए अल्लाह जो अली को अपना मौला माने तू भी उसी का मौला बन, अल्लाह जो अली को अपना आका माने तू भी उसका आका बन, और जो अली को अपना दुश्मन समझे ए अल्लाह तू उसका दुश्मन बन जा। रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हुई या नहीं? बोलिए बोलिए ना। अब जब आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, नीचे तशरीफ लाए, तो सबसे पहले हजरत फारूक आजम आगे बढ़े, कहा हनी अल्लाह का यबन अबी तालिब अस्बहता मौलाई व मौला कुल्ली मुमिनिन व मुमिनातिन, फरमाया ए अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक हो कि आप मेरे भी मौला बन गए हैं और हर मोमिन मर्द के मौला बन गए हैं, हर मोमिन औरत के मौला बन गए हैं, आपको मुबारक हो। और हजरत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं कि यह आकल इस्लाम ने ऐलान क्यों किया, चूँकि हुजूर पर आयत मुबारक नाजिल हुई थी, या यूहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल जो कुछ अल्लाह की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसकी तबलीग कर दें। ये हुजूर पर आयत नाजिल हुई तो आकल इस्लाम ने ऐलान विलायत अली किया। इससे पता चला कि हजरत अली अल मुर्तजा की विलायत का ऐलान करना, करवाना और इसकी तजहीर करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है और हम अल्लाह के हुक्म को अदा कर रहे हैं। मेरी बात को समझे हैं? अब आइए इस बात की तरफ। खुलासतन मैं अर्ज़ करूँगा कि मौला अली अल मुर्तजा किस किस हवाले से हुजूर के जानशीन हैं, हुजूर के वसी हैं, हुजूर के बाद इस उम्मत के वली हैं। तो याद रख लें, अगर आप कहें कि नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मेरे बाद अली वली है, जबकि पहले खलीफा तो हज़रत
अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब है, तो फिर हुजूर का फरमान कैसे पूरा हुआ? और हालांकि हज़रत सिद्दीक से हज़रत मौला अली ने कभी झगड़ा भी नहीं किया कि ये मेरा हक था आपने क्यों ले लिया, कभी कोई झगड़ा मिलता ना अहले सुन्नत की किताबों में ना अहले तशय्यो की किताबों में, कहीं झगड़ा नहीं, ना हज़रत उमर से कभी झगड़ा किया कि आपने हक हमारा मारा है। ठीक, हाँ इतना शिकवा किया था हज़रत सिद्दीक से कि आपने खुद ही मुशावरत करके खिलाफत का ऐलान कर दिया, हम हुजूर के घर वाले थे, हमें भी शरीक करते, हम तो यही समझते थे कि हमें भी शरीक किया जाता, हमारी मुशावरत से कोई खलीफा बनता। तो हज़रत सिद्दीक ने यह नहीं कहा कि आपका हक नहीं था, फरमाया नहीं अल्लाह की कसम हमारा ऐसा इरादा नहीं था, अचानक मामलात ऐसे बने कि बनू सकीफ़ा में लोग जमा हो गए, इधर से हुजूर इस्लाम को गुसल दिया जा रहा था और आपके कफन दफन का इंतज़ाम अहले बैत कर रहे थे हज़रत अली, हज़रत अब्बास, हज़रत अनस, उधर से अनसार ने अपना अमीर मुकर्रर कर लिया, तो अचानक से ऐसे हालात पैदा हुए जिसमें खिलाफत का ऐलान करना पड़ा, वरना हमने जानबूझ के ऐसा किया नहीं। अब हुजूर इस्लाम के फिर उस फरमान का क्या मफहूम है कि हुजूर ने फरमाया अली मेरे बाद वली है, अली मेरा जानशीन है। हाँ, तो सूफिया फरमाते हैं कि उससे मुराद ये है कि खिलाफत की दो किस्में, जानशीनी की बोलिए दो किस्में, खिलाफत की दो किस्में, एक खिलाफत ज़ाहरी एक खिलाफत बातनी, एक खिलाफत ज़ाहरी और एक खिलाफत बातनी। खिलाफत ज़ाहरी जो है, अब ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हमारे अकाबरीन ने ये सारी तफसीलात बयान की, मैं थोड़ा बहुत अर्ज़ करूँगा आपके सामने। तो हज़रत सैयद महमूद अलूसी बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि खिलाफत की चूँकि दो किस्में, इमाम समूदी ने भी ये बयान फरमाया है, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने बयान फरमाया, हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी ने बयान किया, हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज ने बयान किया, इसी तरह हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने बयान किया, ये तमाम हमारे काबिरीन ने बयान किया। चूँकि खिलाफत की दो किस्में, एक ज़ाहरी खिलाफत एक बातनी खिलाफत, ज़ाहरी खिलाफत का काम होता है हुकूमत संभालना, सियासी हालात को कंट्रोल करना, इंतज़ामी मामलात, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया, इंतज़ामी मामलात जो हैं उनको कंट्रोल करना, सियासी मामलात को कंट्रोल करना, फ़ौज बनाना, पुलिस बनाना, लश्कर तैयार करना, इस्लाम की जो बाउंड्रीज़ हैं, क्या कहते हैं आप उसको, जो बाउंड्री होती है ना, बॉर्डर, जो बॉर्डर्स हैं इस्लाम के, इस्लाम की हदों के बाउंड्रीज़ हैं, बॉर्डर हैं, हुदूद हैं, उनकी हिफाजत करना, मुसलमानों के मुआशी हालात बेहतर करना, इकोनॉमिकली उनको ठीक करना, मुआशी फाइनेंशियल हालात ठीक करना, ये है खिलाफत ज़ाहरी का काम, खिलाफत। और जो खिलाफत बातनी है वो फरमाते हैं ही अल खिलाफतुल बातनिया अल्लती ही खिलाफतुल इरशाद, जो उम्मत के अंदर रुश्द व हिदायत का निज़ाम है ये खिलाफत बातनिया का काम है। जो खलीफा बातनी होता है वो ये निज़ाम चलाता है उम्मत के अंदर रुश्द व हिदायत का निज़ाम, व तरबिया और तरबियत का निज़ाम जो उम्मत में जारी होता है ये खिलाफत बातनिया से, ये उसका काम है। वल इमदाद रूहानी, और अगर किसी को रूहानी मदद चाहिए, एक बंदा गुमराह हो रहा है और वो कहता है अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं गुमराह हो रहा हूँ, मुझे हिदायत का रास्ता दिखा। अब अल्लाह ताला किसी जिस्म के अंदर तो उसके पास हाथ पकड़ के उसको दिखाने के लिए रास्ता नहीं आता ना, तो ये जो रूहानी मदद होती है ये भी खिलाफत बातनिया का काम है। खिलाफत बातनिया, हुजूर के जो बातनी खुलाफा हैं, रूहानी खुलाफा हैं, वो मदद करते हैं, रूहानी तौर पर मदद करते हैं, समझ के बात बोलिए। तो ये बातनी खिलाफत का काम है। तो खिलाफत ज़ाहरी के पहले खलीफा अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत सिद्दीक अकबर हैं रज़ी अल्लाह ताला हज़रत, और जो खिलाफत बातनिया है उसके सबसे पहले खलीफा और अमीर और इमाम हज़रत मौला अली मुर्तज़ा हैं। ये हज़रत सैयद महमूद अलूसी ने बयान किया, वो फरमाते ये जो आयत इन्नमा वलीयुकुम अल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीन आमनू, कि तुम्हारे वली अल्लाह हैं, उसके रसूल हैं और अली अल मुर्तज़ा हैं, वो फरमाते इससे मुराद ये है, सूफिया ने फरमाया व कसीरु मिन सूफियति युशीरु इलल कौली बिखिलाफतिही,
कि इससे मुराद आकाल इस्लाम के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत है। और वो कौन सी खिलाफत? फरमाते ही अल खिलाफतुल बातनिया, वो खिलाफत बातनिया है, बातनी खिलाफत। तो बातनी खिलाफत में इस उम्मत के मुर्शिद अव्वल, हादी और इमाम हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा है। आगे बात समझ बोलिए। और इसको हज़रत सैयद महमूद अलूसी ने बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया और फरमाया कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक के अंदर खिलाफत ज़ाहरी और बातनी दोनों जमा हो जाती। और वो कैसे? कि जब हज़रत अली ख़ुद खलीफा बने, ख़ुद चौथे नंबर के ऊपर बने, तो आप खलीफा ज़ाहरी भी थे रसूलुल्लाह के, खलीफा बातनी भी थे, आप में दोनों खिलाफतें जमा हो गई। इसी तरह इमाम हसन में दोनों खिलाफतें जमा हो गई। मेरी बात समझे। और इसी तरह इमाम हज़रत सैयद महमूद अलूसी फरमाते जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम खलीफा बनेंगे तो उनमें भी अल्लाह दोनों खिलाफतों को जमा फरमा देगा, दोनों खिलाफतों को। बोलिए। और फरमाया ये क्यों है? चूँकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुलिक तो अना व अली मिन नूर वाहिद, हुज़ूर ने फरमाया चूँकि मैं और अली एक नूर से पैदा किया गया, एक नूर से पैदा। और एक हदीस में, तवील हदीस, फरमाया वो नूर चलता आया हत्ता के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बाद वो नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक नूर मेरे बाप अब्दुल्ला में और एक नूर हज़रत अबू तालिब में मुंतकिल हो गया। उनके ज़रिए नबूवत और इनके ज़रिए इमामत को अल्लाह ने चला दिया। और हज़रत सैयद महमूद अलूसी फरमाते यही वजह है कि तमाम के तमाम जो सिलसिले हैं तरीक़त के, तमाम के तमाम बोलिए तरीक़त के सिलसिले, वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा से जाके मिलते हैं। कोई किसी सिलसिले का मुरीद हो तो वो बराह रास्त मुरीद अली बन जाता है। हत्ता कि वो फरमाते हैं कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जो है ये हज़रत सिद्दीक अकबर से जाके मिलता है, लेकिन उनसे भी पलट कर लौट कर हज़रत अली अल मुर्तज़ा से जा मिलता है। सिलसिला नक्शबंदिया भी फैज़ अली है, सिलसिला कादरिया भी फैज़ अली है, सिलसिला चिश्तिया भी फैज़ अली, तमाम सलासिल तरीक़त फैज़ अली है, फैज़ अली है। तो ये आपने बयान फरमाया हज़रत सैयद महमूद अलूसी ने। और इसी तरह हमारे अकाबरीन ने इसको बड़ी तफसील से बयान किया। हज़रत इब्राहिम समूदी रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वालों को अल्लाह ने कसीर अम्बिया अता फरमाए, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ने नबूवत जारी फरमाई ना, इसहाक़ अलैहिस्सलाम नबी, इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी, याकूब अलैहिस्सलाम नबी, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, फिर मूसा अलैहिस्सलाम नबी, ये सारे उन्हीं का ख़ानदान है हज़रत इब्राहिम का, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी जी, हज़रत यूशा नबी, हज़रत ज़करिया, हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, ये सारे इब्राहिमी नस्ल हैं ना। तो फरमाते हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहले बैत को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अल्लाह ने खातमुन नबीयीन बना दिया, हुज़ूर के बाद को नबी आना नहीं था, तो अल्लाह ताला ने एक ये कमाल दिया कि खातमुन नबीयीन बना दिया, और दूसरा ये कमाल दिया कि आपके अहले बैत को तहारत वाला बना दिया और इमामत वाला बना दिया, और आपके अहले बैत से विलायत और इमामत के सिलसिले को जारी फरमाए। तो दूसरे नबियों को चूँकि उनके बाद भी औलाद नबी होती थी, अब आकल इस्लाम पर ख़त्म नबूवत हो गई, तो अल्लाह ने नबूवत के इवज़ में, बदले में आपके अहले बैत में इमामत और विलायत के सिलसिले को जारी फरमा दिया, इमामत और विलायत के सिलसिले को बोलिए जारी फरमा दिया। और फरमाते यही वजह है कि हर दौर में जो कुतुबुल अख्ताब होता है वो सिर्फ हुजूर के ख़ानदान में से होता है। जो कुतुबुल अख्ताब है जिसको गौस कहा जाता है, गौस सिर्फ और सिर्फ औलाद फातिमा में से होता है। ये जो इश्तियारों के ऊपर गौस बने हुए हैं ना, ये सब झूठे हैं। जो औलाद फातिमा में से नहीं है उसको गौसियत का दर्जा नहीं मिलता। कुतुब हो सकता है, गैर सैयद वली हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, कुतुब के दर्जे तक जा सकता है, लेकिन जो कुतुबुल अख्ताब होता है जिसको गौस कहा जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ चूँकि वह वक्त का इमाम होता है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ बनी फातिमा में से चुनता है, नस्ल रसूल में से चुनता है। और यही बात हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने भी बयान फरमाई, यही बात हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी ने बयान फरमाई, फरमाते ये जो विलायत की राह है, इस राह के पेशवा इमाम और सैयद व सरदार और मंबा और सरचश्मा हज़रत अली अल मुर्तज़ा है, जिसको मिलता है इन्हीं की बारगाह से मिलता है।
इनके सिवा कोई बारगाह देने वाली नहीं। वो फरमाते हैं कि यह अजीम शान मनसब इन्हीं के लायक था, इन्हीं को नसीब हुआ, इन्हीं के लायक था और इन्हीं को बोलिए। और फरमाते हैं हज़रत मुजद्दद साहब कि इस मुकाम में अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा और हसनैन करीमैन को भी मौला अली अल मुर्तज़ा के साथ शरीक किया है, यानी जिसको मिलता है पंजतन पाक के बारगाह और दर से मिलता है, समझे बात। और हज़रत मुजद्दद सानी ने इससे बड़ी बात की है, ज़रा जाग के होशियार होके बैठे, एक ख़ास बात बताने लगा हूँ आपको। इससे अगली एक अजीब बात हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी ने बयान की है। मुजद्दद अल-फ़िसानी कोई इख्तिलाफी शख्सियत नहीं है, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही। तमाम बरे सगीर के रहने वाले मुसलमान और अरब और अजम के रहने वाले मुसलमान इनकी विलायत रूहानियत और इनकी इल्मी मुकाम के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी फरमाते हैं कि मेरा तो ये ईमान है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा जिस तरह इस दुनिया में आने के बाद जिसको भी विलायत मिलती है हज़रत अली की मोहर से मिलती है, मेरा ये ईमान है कि हज़रत अली इस दुनिया में आने से पहले भी जिस जिसको विलायत मिलती थी इन्हीं की मोहर से मिलती थी। तो आज हो या आज से पहले जिस जिसको विलायत मिलती रही फरमाते मेरा ये ईमान है वो हज़रत अली अल मुर्तज़ा की मोहर से मिलती थी। अली की मोहर ना हो तो किसी को विलायत मिलती, उसके मानने वाले उसको इश्तियारों के ऊपर चाहे जो मर्जी बना दें, अल्लाह के यहाँ उसका कोई मुकाम नहीं, अल्लाह के यहाँ उसका कोई मुकाम नहीं। आगे बात समझ। और फिर हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बाद अल्लाह ताला ने ये इमामत का दर्जा इमाम हसन, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद अल बाकिर, फिर इमाम जाफ़र सादिक, फिर इमाम मूसा काज़िम, फिर इमाम अली रदा, फिर इमाम मोहम्मद तकी, फिर इमाम अली नकी, फिर इमाम हसन अस्करी को अता फरमाया। और उनके बाद ये मनसब अल्लाह ताला ने उनके पास रहा हत्ता के हुजूर सैयदना गौसुल आज़म सैयदी अब्दुल कादर अल जिलानी, जब तक आपको हुक्म इरशाद ना हुआ तब तक उनके पास रहा। फिर जब आप बगदाद के मिंबर के ऊपर बैठे और नबी अलैहिस्सलाम ने आपको हुक्म दिया कि बेटा अपना ऐलान विलायत करो, तो उस वक्त ये विलायत के इमामत का ताज हजरत इमाम हसन अस्करी से हुजूर सैयदना गौसुल आज़म को मुंतकिल कर दिया गया। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद तक हुजूर सैयदना गौसुल आज़म इमामत कुबरा पर फायज रहेंगे। अब हुजूर गौसे पाक का जो फैजान है वो भी असल में मौला अली अल मुर्तज़ा का फैजान है। हजरत अली की जलाई हुई शमा की किरण है गौसे पाक। हजरत अली अल मुर्तज़ा का जो जारी फैजान है उसका दरिया है गौसे पाक, समझ आई है बात। तो जिसको गौस पाक के दर से मिल रहा है उसको असल में हकीकत में मौला अली के दर से मिल रहा है। ये सब फैज एक है, दर एक है। मेरी बात समझे या आपने नहीं समझे बोलिए। यार इसको एक मिसाल से समझे, आप तरबेला डैम से देख लें बिजली आ रही है, रास्ते में कितने जोड़ हैं जी आपके घर तक पहुंचने के लिए, सब स्टेशन्स हैं, स्टेशन्स हैं, ट्रांसफार्मर हैं, आगे जोड़ हैं, वो सारे जोड़ मिल 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 के वो जो आपको बिजली आ रही है वो पीछे से जो डैम है उसी का फैज होता है ना। आगे जोड़ जितने मर्जी लग रहे जोड़ बोलिए। तो इसी तरह फैज सारा अली का है, आगे उनकी नस्ल में वो आगे इमामत जितनी मर्जी मुंतकिल होती चली जाए। और फिर जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो ये सारी इमामत और सरदारी उनके सर मुंतकिल कर दी जाएगी। यही बात हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने भी बयान फरमाई। फरमाते हैं इस उम्मत में विलायत का दरवाज़ा खोलने वाले पहले फ़र्द हज़रत अली अल मुर्तज़ा है, जिसको मिलता है इन्हीं की बारगाह से मिलता है। और हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं यही वजह है कि तमाम तरीक़त के सिलसिले हज़रत अली का फैज़ हैं, हज़रत अली का। और यही बात शाह इस्माइल देहलवी ने बयान की। वो कहते हैं हज़रत मौला अली को एक ऐसी फजीलत हासिल है जो किसी और को हासिल नहीं। वो क्या कि जिस कदर आपके ज़िक्र को मिटाया जाना चाह और मिटाया जाने की कोशिश की जाती है उसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुरीद हज़रत अली के हैं। ये कमाल फजीलत है आपकी। और फरमाते ये भी आपकी एक अजीब और मुनफरिद फजीलत है
कि जितने भी विलायत के सिलसिले हैं, कुतुबियत हैं के हैं, गौसियत के, अब्दालियत के, वो सब के सब आपकी मोहर लगने से और आपकी इजाज़त से सबको जारी होते हैं। और शाह इस्माइल देहलवी यहाँ तक लिखते हैं, ये शाह इस्माइल देहलवी तमाम अहले हदीस और सलफियों के इमाम हैं, ये उनकी बात मैं नकल कर रहा हूँ। फरमाते यहाँ तक शाह इस्माइल देहलवी कहते हैं, यहाँ तक कि जिसको दुनियावी भी हुकूमत और बादशाहत मिलनी हो तो वो भी हज़रत अली अल मुर्तज़ा की इजाज़त से मिलती है, उनकी इजाज़त से मिलती है, उनके बगैर नहीं मिलती किसी को। और यही बात हमारे अकाबरीन में हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज रहमतुल्लाह ने बयान की, ये मामूली हस्ती नहीं है, तवज्जो है आपकी। सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज सदात में से हुसैनी सदात हैं और बरे सगीर के किबार औलिया और उलमा में से, इनकी लिखी की किताबें आज तक उलमा पढ़ते हैं, बल्कि उलमा के जो असाज़ा होते हैं वो भी पढ़ते और पढ़ाते हैं। मैंने अपने पीरो मुर्शिद को देखा कि ये जो सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज की किताब है आदाबुल मुरीदीन, कभी नहीं देखा कि अपने शेख के पास जाऊं और उनके टेबल पे ये किताब ना पढ़ी हो, वो इस किताब को अपने से जुदा ही नहीं करते। फरमाते हैं कि इंसान को मुरीद होना सिखाती ही ये किताब है, मुरीद होना ये सिखाती है किताब, इनकी किताब सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज। उनके बाल लंबे लंबे रखे हुए थे ना, इसलिए उनको गैसू दराज के, गैसू बालों को कहते हैं, गैसू दराज उनका लकब बन गया, लंबे बालों वाले, लंबे गैसू दराज, सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज, ये उनका लकब बन गया। सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज ये खलीफा हैं हज़रत नसीरुद्दीन चरागे दहलवी के, हज़रत नसीरुद्दीन चरागे, और हज़रत नसीरुद्दीन चरागे दहलवी ये खलीफा हैं हज़रत सैयद महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया के, और वो खलीफा हैं हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के। बात समझ आई? वो खलीफा हैं हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के, समझ आए? और वो खलीफा हैं हज़रत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के, यूँ सिलसिला है, सिलसिला चिश्ती है। तो ये उनके इमाम। तो हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी गैसू दराज फरमाते खिलाफत की दो किस्में हैं। अब ये ना समझे मैं एक ही बात दोहराई जा रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ किताबों से आपको दे रहा हूँ, हवाला जात दे रहा हूँ। वो भी फरमाते खिलाफत की दो किस्में, खिलाफत कुबरा खिलाफत सुगरा, बड़ी खिलाफत और छोटी खिलाफत। और फरमाते जो खिलाफत कुबरा है, बड़ी खिलाफत, तो उसको बातनी खिलाफत कहा जाता है, और जो खिलाफत सुगरा है, छोटी खिलाफत, उसको ज़ाहरी खिलाफत कहा जाता है। और फरमाते खिलाफत कुबरा के, खिलाफत जो कुबरा थी, खिलाफत बातनिया थी, वो मखसूस थी ज़ात अली के साथ, मखसूस थी ज़ात। और फरमाते इस बात पर इत्तिफाक है, क्या लिखा हूँ इस बात पर, इससे पता चला जिस बंदे को इस बात से इत्तिफाक नहीं है, ना वो औलिया के घरों से ताल्लुक़ रखता है, ना ही उलमा के घरों से ताल्लुक़ रखता है, वो जुहला के घरों से ताल्लुक़ रखता है, के घरों से, ना सुलाहा के घरों से, ना उलमा के घरों से, बल्कि जो हला के घरों से, जो हला जाहिलों को, जो हला के घरों से ताल्लुक रखता है, बल्कि हुमका अहमकों के घरों से ताल्लुक रखता है, हुमका से। तो फरमाते जो खिलाफत सुगरा है उसमें इख्तिलाफ है सुन्नी और शिया में। अहले सुन्नत का कीदा यह है कि खिलाफत सुगरा में पहले अमीर हजरत सिद्दीक अकबर है, और शिया कहते हैं कि पहले अमीर हज़रत अली, इख्तिलाफ़ है। लेकिन जो खिलाफत कुबरा है, खिलाफत बातनी, उसमें इख्तिलाफ नहीं, ना अहले सुन्नत में और ना ही अहले तशय्यो में, इत्तिफाक है कि उसके पहले अमीर हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा है, ये उन्होंने भी बयान फरमा दिया, मेरी बात समझे। इसी तरह यही बात हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने भी बयान फरमाई। मैंने आपके सामने विलायत अली के हवाले से चंद दलाइल आपको कुरान सुन्नत और सूफिया की किताबों से अर्ज़ किए। मेरे भाइयों बेटों, ये अकीदा हक वाला अकीदा है जिसमें हम विलायत अली पर ईमान रखते हैं। आखिरी बात अर्ज़ करूँगा फिर हम गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हुजूर के सहाबी भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं रसूलुल्लाह के भी, और इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, उम्मत के सबसे बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम।
उनसे पूछा गया, ये आपने सारा इल्म कहाँ से लिया? वो फरमाते हैं, ये मैंने सारा इल्म हज़रत अली की बारगाह से लिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जब फौत होने लगे, मैं आखिरी बात जो आपको बताने लगा कि मर जाएं लेकिन ये अकीदे में गड़बड़ ना आने दें, अपनी नस्लें संभालें, अपनी औरतें संभालें, उनके अकायद ठीक रखें। आपकी ख़वातीन को कोई तरबियत मिली नहीं है, ना अपने मेके के घर से, ना अपने ससुराल के घर से। क्या शिकवा करते हैं आप उनकी जहालत का और नदानी का? कोई तरबियत नहीं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम अपने बच्चे को सिखाते ही नहीं उसने कल को खामिद कैसे बनना है और बाप कैसे बनना है। इसी तरह हमारे घरों में सिखाया ही नहीं जाता बेटी को उसने बीवी कैसे बनना है और उसने माँ कैसी बनना है। बल्कि एक ही गल सिखा दें, आज काम नहीं ना कर दी, जो तू जाएंगी ना ससुराल वेखी तेनू तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या बचपन से ही नफरत पैदा कर देते हैं ससुराल की बच्चियों के अंदर? अब बच्चियां बचपन से ही ससुराल की नफरत लेके परवरिश परवान चढ़ती हैं, और जब जाती हैं थोड़ी सी बात सास ने कर दी, ससुर ने कर दी, मियाँ ने कर दी, उन्होंने तूफ़ान खड़ा कर लेना। वजह क्या है? हम तरबियत ही उनकी ये करते हैं। अल्लाह हमारी हिदायत फरमाए। तो अपने घरों में ये सिलसिला शुरू करें, अपने घरों में ये सिलसिला शुरू करें जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उनकी बात बताने लगा था, जब वो फौत होने लगे तो कहने लगे, ए मालिक, मैं हज़रत अली की विलायत के वसीले से तेरी बारगाह का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, विलायत अली अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला हो, अल्लाह की बारगाह में हमारा बोलिए वसीला। तो मेरे भाइयों, आप आखिर में ही मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर हम सिर्फ नारे ही मारें हज़रत मौला अली के और उनकी तालीम पर अमल ना करें, उन जैसा किरदार ना अपनाएं, तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि अपने मुर्शिद के नारे तो मारता है लेकिन कहना नहीं मानता, कहना ये कैसी मोहब्बत है, लोग तो यही कहेंगे ना। आप भी देख लें, आपसे कोई मोहब्बत के दावे किए जा रहा है लेकिन कहना कोई नहीं मानता, आप उसकी मोहब्बत सच्ची समझेंगे? बोलिए। तो लोग भी ये कहेंगे कि अपने पीर के नारे मारता है लेकिन कहना नहीं मानता। तो इसलिए आजजी की तरफ आएँ, तौबा की तरफ आएँ, अपनी बेहतरी की तरफ आएँ, इस्लाह की तरफ आएँ। एक तो मेरा सोना, अपनी ज़िंदगी में कुरान को लाजमी रख लें, तर्जमे से कुरान पाक पढ़ें। क्या तर्जमे से कुरान पाक? वो तर्जमा जो समझ नहीं आए, वो तर्जमे नहीं जो समझ ही नहीं आते, तर्जमे के साथ समझ वाला कुरान पाक जो है, जो सही समझ आता है कुरान पाक, चाहे एक तर्जमे से समझ नहीं पड़े लेकिन ज़िंदगी का इस्लाम। उस दिन आपको नींद ना आए जिस दिन आपने तिलावत की, सारा दिन बेसकून अजाब लगे आपको वो दिन गुजारना जिस दिन आपने तिलावत ना की हो। एक तो कुरान पाक, दूसरा नमाज की पाबंदी, और नमाज मुझे सुनाएं। पीर के साथ ताल्लुक सिर्फ तवीज़ों और दमों वाला नहीं रखते, उससे दीन सीखते हैं, हिदायत लेते हैं। नमाज सुनाएं आके मुझे, हो सकता है उसमें गलतियाँ हो, नमाज ठीक करें अपनी, नमाज की पाबंदी करें, नमाज कभी ना छोड़ें, अल्लाह से ताल्लुक़ नमाज से शुरू करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ दुरूद व सलाम और आपकी सुन्नत की पैरवी के ज़रिए शुरू करें। दुरूद व सलाम कम अज़ कम 313 दफ़ा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बने, कभी नागा ना हो, सुबह पढ़ लें ताकि नागे का कोई ऑप्शन ही ना हो, सुबह ही पढ़ लें, दुरूद पाक गुज़ार ही ना करें। ठीक है, पढ़ें, मैं याद कराता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآله وسلم اللهم صل على محمد وآله وسلم تیسری چیز لوگوں سے حسن اخلاق کے ذریعے अपना किरदार शुरू करें। किसी की दिलदारी हो तो उससे माफ़ी मांगे, तकबर में इंसान है, गुस्से में आ जाता है, बशर है, लेकिन माफ़ी ज़रूर मांग ले अगर किसी की दिलदारी हो गई हो। माफ़ी तलाफी करके रखें, दिल साफ रखें, नफरतें ना पालें, हसद से बचें।
तकब्बुर से बचें, रियाकारी से बचें, हर अमल अल्लाह के लिए करें, मखलूक के लिए ना करें। अल्लाह आपको और मेरा हाल मुनासिर हो। आखिरी आपके लिए ऐलान है कि मैं अब अल्लाह के फजल व एहसान से अपने दादा जान के हुक्म पर यहाँ वापस आ गया। मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुझे हुक्म है तो मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। तो मैं पीर से लेकर जुमेरात, असर से लेकर मगरिब तक यहाँ बैठता हूँ आस्थाने पर। तो आप हजरात ज़रूर तशरीफ़ लाया करें। जो बच्चे फारिग हैं, जवान बूढ़े जितने फारिग हैं, ज़रूर आया करें, बैठा करें। एक तो आपको हिदायत मिलेगी, दूसरा बुरी सोबत से बचेंगे जब अच्छी सोबत में बैठेंगे, तीसरा ये होगा कि आस्थाने की रौनक भी बहाल रहेगी, रौनक भी लगी रहेगी। ठीक, इधर उधर की रौनक बनाने की बजाय यहाँ की रौनक बहाल रखें। ठीक, तो पीर से जुमेरात, असर से मगरिब, जुमे वाले दिन जुमे के बाद से लेकर असर तक, और असर के बाद महफिल ज़िक्र और हल्के दुरूद व सलाम। इतवार हफ्ते वाले दिन छुट्टी, हफ्ते वाले दिन मैं नहीं बैठूँगा, उस दिन मेरी तालीमी मसरूफियात होती हैं। और इतवार वाले दिन मगरिब से इशा इंशाअल्लाह महफिल ज़िक्र हुआ करेगी। मैं बहुत कमी महसूस करता हूँ महफिल ज़िक्र की, इस महफिल में भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो बयान ख़त्म करते ही 12 बज रहे होते हैं। तो इंशाअल्लाह कल मगरिब से इशा महफिल ज़िक्र रखें, जो अहबाब आना चाहे, पाबंदी नहीं होगी, जो आना चाहे मर्ज़ी से आ सकें, पाबंदी होगी। ये जो महाना महफिल, इसकी पाबंदी करें और इसमें बाकायदगी से शिरकत करें। और ये जो सुस्ती है ये ना करें, इससे मुझे मेरा दिल राज़ी नहीं होता। जब महफिल शुरू हो, तिलावत के वक्त उतने लोग मौजूद हों जितनी दुआ के वक्त लोग मौजूद हों, एक बंदा भी जायद ना आए। जिसने आना है वो तिलावत के वक्त आ चुका, ठीक है? तो 2-2.5 घंटे की महफिल होती है, तिलावत के वक्त पहुँच जाए जिसने पहुँचना। मेरी बात समझे हैं? अल्लाह आपको और मेरे आगे नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।